दर्शकों को स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। मैं कुंज बिहारी पांडे, आज हम आए हैं यहाँ पर कि छाता के बाज़ार में, जो कि बम पटाखे भटकना जो कि आतिशबाजी का बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर देखने को जितने मानकों के आधार पर ये बाज़ार लगाया जाता है, वो इतने मानक ना तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ना यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी वगैरह या कोई भी कर्मचारी उस तरह से देखने को मिल रहे हैं। कुछ फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ पे हैं तो वो उस तरह से बैठे हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होनी ही नहीं है। अभी देखने को मिला है कि एक दुकान पे अभी भटकना भटका गया है, वो कहाँ से पटाखा भटका है उसको जानते हैं कि वो भटाखा किसने कराया गया है। इसी दुकान पर भटाखा भटका था। हाँ जी, अभी आपकी दुकान पर भटाखा भटका था, किन लोगों ने भटकाया? अरे हमें कहा बताया, पीछे से आए हो। अभी अगर कोई बड़ी घटना घट जाती तो क्या करते आप? हमारी जिम्मेदारी है, हमें पीछे से आए, हमें कहा पता। यानी कि अगर कोई बात हो जाएगी तो आप दुकानदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारी कोई जिम्मेदारी ना। देखिए, ये हैं दुकानदार जो कि आतिशबाजी का यहाँ पे विक्रय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर हादसा हो जाता हमारी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, एक बार इस फील्ड को दिखाएं। ये दुकानदारों का कहना है कि अगर कोई भी यहाँ पे हादसा होगा तो इनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, और ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा है देखने के लिए कि अगर कोई भी यहाँ पर किसी के साथ किसी तरीके की बदतमीजी हो जाती है तो वो पुलिस प्रशासन उन लोगों को कैसे संभाल पाएगा। ये फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी कोई भी इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है कि जिससे कि उनके लिए कुछ हित का कार्य किया जाए। और मैं कैमरामैन से कहूँगा, कुछ दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से आतिशबाजी की बिक्री कर रहे हैं, उनका क्या है? अगर आज कल कोई घटना घटती है तो इस आतिशबाजी के इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? अगर ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या इतना खतरनाक तरीके से उस डाला जा रहा है कि उनका कोई कुछ यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल। कहाँ के रहने वाले हो? रायड़ा जी। यहाँ पे आतिशबाजी की तौर पे ये आतिशबाजी ये चीज़ आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे हैं, क्या ये उचित है या क्या है? अनुचित है भैया। तो क्या होना चाहिए कि जिस तरह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अभी यहाँ पे एक भटकना भटका था पटाखा जो आपने देखा था, देखो गलत है। तो अगर वो भटका, अगर पटाखा चलता और उस पर कोई बड़ा हादसा हो जाता, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती? इन दुकानदारों के ऊपर। ये देखिए, ये हैं वो जानने वाले, इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना जाने कितने मासूम बच्चे हैं जो कि अपने दीपावली मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और अगर इन सब की जिंदगियों से अगर इस तरह से खिलवाड़ की जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह से देखिए, इस तरह के पटाखे वगैरह जहाँ पे कुछ बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सुविधा के नाम पर वो नहीं दी जा रही है। अगर इन दुकानदारों से बात करते हैं तो ये उस तरह का जवाब देते हैं जैसे कि कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। अगर कोई भी हादसा हो, ये जानते हो कुछ यहाँ पर खरीदने वाले आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेम चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा छाता जी। अभी आतिशबाजी के बाज़ार में आतिशबाजी खरीदने आए हैं, और अभी यहाँ पर एक पटाखा चला था, काफ़ी लोगों ने सुना भी है, क्या कहेंगे उसको? वो गलत चला है, ऐसा नहीं चलना चाहिए था। ये सुविधा की दृष्टि से जो कि मानकों तौर पर ये दुकानें लगाई जा रही हैं, क्या आपको उस तरह की कोई सुविधाएं दिख रही हैं? नहीं, सुविधा ऐसी कोई नहीं है। बाकी पानी के आग बुझाने वाली मशीन खड़ी है इधर। ये आग बुझाने वाली मशीन जो खड़ी है, ये एक तौर पर खड़ी है या इस पर कोई भी अधिकारी सतर्कता में दिख रहा है? कोई सरकारी अधिकारी या ये फायर ब्रिगेड वाले सतर्कता में है कि नहीं है? सतर्कता में तो कोई नहीं है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि इस सतर्कता में कोई भी अधिकारी, जैसे फायर ब्रिगेड भी खड़ी है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इन फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दिखाएं कि किस तरह ऐसे बैठे हैं, अगर कोई भी गार्ड कर जाए, ये सचेत अवस्था में है ही नहीं कि उनके वो चले गए। ये दुकानदार वगैरह छोटे छोटे बच्चे जगह जगह दुकानों पर उनसे आतिशबाजी खरीदवा बिकवाई जा रही है, खरीदी जा रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जान के देखते हैं। आइए, मैं कैमरामैन से इधर कहूँगा, कुछ दुकानदारों से इसके बारे में जानते हैं कि अभी ये आतिशबाजी के तौर पर कोई भी घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी, क्या इधर देखो, एक मिनट भाई, क्या नाम है आपका? मोहन चांग। कहाँ के रहने वाले हो? छाता के। ये दुकान आपकी है? ये आतिशबाजी बेची जा रही है, की जा रही है, इस पर छोटे छोटे बच्चे भी इस पर सेल कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? कहाँ हैं बच्चे? अभी हमने इधर भी रिकॉर्डिंग की है, देखा है, बताया है। बच्चे कहाँ देख रहे हैं? और चलो, बच्चे आपको नहीं देख रहे हैं तो अभी ये भटक गए, अभी ये पटाखा चला था इस दुकान पे, क्या कहेंगे उसके बारे में? अभी ये कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता?
अगर अभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, इधर भी पटाखा चला है, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? जिम्मेदार हम ही होंगे। हम होंगे तो इस तरह की लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है कि जो दुकानों पर पटाखा चलाया जा रहा है? हाँ, चल रहा पटाखा अभी चला है, सब लोगों ने आवाज़ सुनी है। हमें तो पता नहीं, ये दुकानदार हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी संतोषजनक जवाब देके राजी नहीं है। और इन लोगों को ये बड़े हादसे होने की कोई, इनको अभी देखते हैं इनको देरी है कि सोच रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, जब तक ये अपनी लापरवाही से बाज नहीं आएंगे, ना यहाँ पर किसी भी तरीका की जो सुविधाओं का प्रकरण है, ना वो तरीका के किसी भी मानकों पर उस तरह से खड़े उतर रहे हैं। इसी के साथ मैं कुंज बिहारी पांडे, छाता।